श्रीमती निर्मला सैनी जी जो भाजपा से संबंध रखती हैं, और विधायक जो हैं वो भी भाजपा से संबंध रखते हैं, विनोद भ्याना जी। शहर के आप किसी भी सिरे पे चले जाइए, किसी भी हिस्से में चले जाइए, और अब नगर परिषद के जो चुनाव आएंगे तो कहेंगे कि भाजपा का चेयरमैन बनाओ। अरे भैया, 2 साल का आपको टाइम दे दिया, 2 साल के टाइम में भाजपा का विधायक, भाजपा का चेयरमैन, और आप जीरो रहे। बच्चों को ये बीड़ी बूढ़ी मिला नहीं पीने देता है, जिनके घर पे ले जाता है जी थप्पड़ मार के जी। ऐसे ये समय किस्मों की स्थिति, बीड़ी बूढ़ी गंदा गुंजा पिया के सट्टे कुछ है। अच्छा, मैंने सुना है कि 2 करोड़ रुपए लगे हैं, वाकई 2 करोड़ रुपए का विकास हुआ है क्या यहाँ पे? लग रहा है आपने, जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इस पे लगाई गई है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमटी तालाब 2 करोड़ रुपए लगाने से पहले ज्यादा अच्छा था इसकी हालत। शायद ये हरियाणा में मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड होगा, नगर परिषद के मामले में ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। इस एम्प्टी तालाब में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च लगा है। अब कोई पूछे प्रशासनिक अधिकारियों से तो भाई किस नाम का लगा है, कोई पूछे यहाँ पर रूलिंग करने वाले लोगों से, चेयरमैन साहिबा से, किस चीज का 2 करोड़ लगा है, क्या ये टाइल 2 करोड़ में लगी है, ये ठेका मुझे दे दीजिए 10 लाख से कम में, जो है आपको जो हाल आपका अभी फिलहाल आपने 2 करोड़ में किया ना, उससे कहीं बेहतर मैं जो है करके दिखा सकती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंगिरा सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हांसी के एम्प्टी तालाब में पहुंची हूं, जो अपने भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है बजाय कि इसकी खासियतों के। एम्प्टी तालाब जिसे साफ सुंदर स्वच्छ होना चाहिए था, उसका दरवाजा ही आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ एंट्रेंस में ही जो है आवारा पशु आपका स्वागत करेंगे, वो भी गंदगी के साथ। ये दरवाजे के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ घूमने आए तो बाइक गाड़ी चलाने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। ये गंदगी का आलम है इसके मेन दरवाजे पर। और अब बात करें एम्प्टी तालाब के अंदर की, तो भाई एम्प्टी तालाब के अंदर आपको लेकर के चलती हूँ, दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से एम्प्टी तालाब बन चुका है नशे का अड्डा, क्योंकि रात को लाइटें यहाँ पर जलती नहीं है, दिन भर जो है बच्चे इस गंदगी भरे पानी में यहाँ खेलने के लिए आते हैं, जो कहीं ना कहीं जान का खतरा बन सकते हैं ना। तो इस एम्प्टी तालाब का कोई दरवाजा है जिसे आवारा पशुओं को जाने से रोका जाए, ना ही यहाँ कोई गेट कीपर है जो इस पूरे एम्प्टी तालाब का जो है ध्यान रख सके, कोई भी नहीं है यहाँ पर इसका ध्यान रखने के लिए। और बता दूं कि हाल ही में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च, साल 2020 में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च जो है इस एम्प्टी तालाब पर किया गया था, जिस 2 करोड़ में ये घटिया क्वालिटी की टाइल्स जो है यहाँ पर लगाई गई है, ये घटिया क्वालिटी की टाइल्स जो कि लगाने के कुछ ही महीनों के अंदर ही टूटने लगी हैं, गिरने लगी हैं, जिनमें दरारें अब साफ साफ नजर आने लगे हैं। और उसके अलावा हाँ, कुछ एक पेंट जरूर करवाए थे। दूसरी तरफ आपको पेंट की तस्वीरें भी दिखा दूं कि ये पेंट भी है जो है कुछ ही महीनों में उतर चुका है, इसके नीचे ना ही कोई बेस है, ना ही सीधा, एक नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि कली जो है सीधी सी मारी है, एक वो घटिया क्वालिटी का कलर यहाँ पर इसके अंदर मारा गया है। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, टपक रहा है पानी, काफ़ी बारिश जो है कल आई थी, लेकिन अब तक जो है यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टपक रहे हैं। गंदगी का आलम यह है कि सुअर घूम रहे हैं, बच्चे डूबने के कगार पर हैं, किसी भी समय डूब सकते हैं, यहाँ खेलने के लिए आते हैं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। और इस एम्प्टी तालाब में 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च लगा है। अब कोई पूछे प्रशासनिक अधिकारियों से तो भाई किस नाम का लगा है, कोई पूछे यहाँ पर रूलिंग करने वाले लोगों से, चेयरमैन साहिबा से, किस चीज़ का 2 करोड़ लगा है, क्या ये टाइल 2 करोड़ में लगी है, ये ठेका मुझे दे दीजिए 10 लाख से कम में, जो है आपको जो हाल आपका अभी फिलहाल आपने 2 करोड़ में किया ना, उससे कहीं बेहतर मैं जो है करके दिखा सकती हूँ। और ये शब्द सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों के हैं कि ये सिर्फ पैसा खाया गया है। खैर, एम्प्टी तालाब के अंदर आपको लेकर के चल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको एम्प्टी तालाब के अंदर के हाल, भाई क्या हाल है उस एम्प्टी तालाब में जिसमें साल 2020 में 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ, और वैसे 5 करोड़ से ज़्यादा का खर्च जो है पिछले 4-5 साल में इस एम्प्टी तालाब पर लग चुका है।
भाई, तालाब की तस्वीरें तो आपको दिखाती हैं, यहाँ कुछ बच्चे मुझे मिले हैं और बच्चों के साथ कुछ बड़े भी मिले हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई क्या है इस तालाब का हाल उनकी नज़रों के हिसाब से, जो हमेशा यहाँ आते जाते हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं। हाँ बेटा, क्या कर रहे थे? मामा, हम यहाँ पे खेलने आ रहे थे। खेलने आए? कितने बच्चे आए हो जी? हम आए तीन आए हो। क्या उम्र क्या है आपकी? 12। आपकी? मामा 9 उम्र है आपकी? 12। 12 साल के हो और यहाँ मतलब दिन में भी आते हो, शाम को भी आते हो? शाम को भी। और रात को? रात को भी आते हो? हाँ। और कौन कौन आता है? हम तीन ही आते हैं। नहीं, और इधर झील में और कौन कौन होता है? जी ये बच्चों को ये बीड़ी बूढ़ी वगैरह नहीं पीने देता है, जिनके घर पे ले जाता है जी, थप्पड़ मार के जी। अच्छा, स्मैकी भी आते हैं आप बोल रहे थे? यस मैम। क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के? मैम जी नशे करते हैं जी, झूले तोड़ते लगाते हैं मैम, छतरी में जी दारू पीते हैं जी। कौन सी छतरी में दारू पीते हैं? सारी छतरियों में दारू पीते हैं। और दारू पीने के अलावा क्या क्या करते हैं? वे टिक्के भी लगाते हैं जी। टिक्के लगाते हैं? अच्छा, वो जो सामने बाबे हैं, आ जाओ इधर आके बताओ, वो बाबे हैं सामने, वो भी लगाते हैं? यस मैम। आपकी स्मोकी बीड़ी बूढ़ी गंजा गुंजा पिया के सट्टे पूछे। अच्छा, इस बाबा से सट्टे पूछते हैं इसको नशे दे के? यस मैम। अच्छा, कहाँ बैठते हैं ये स्मैकेट इंजेक्शन कहाँ बैठ के लगाते हैं? वहाँ पे कोनों में बैठ के लगा? इस बाबे से आड़े यहाँ पे। आप लोगों को भी कभी बीड़ी वगैरह पिलाने की कोशिश करते हैं? नहीं मैम। आप लोगों को पिलाने की कोशिश नहीं करते? आप पास जाते हो तो रोकते हैं आपको कि यहाँ मत आओ? रोकते हैं। रोक देते हैं? और कभी लड़ाई झगड़ा किया आप लोगों के साथ? नहीं। झूले तोड़ते हुए? झूले वही तोड़ते हैं इसमें जो आते हैं? हाँ। आपने देखा उनको झूले तोड़ते हुए? हाँ, गाने जाल भी ले गए तोड़। जाल कौन से? ये पौधे वाले। अच्छा, जो ये पौधों को सेफ्टी लगाने के लिए जो जाल लगाए गए हैं, यहाँ कोई आगे बॉडीगार्ड अंकल नहीं रहते क्या? कोई गेट पे? गेट में कोई नहीं है? यहाँ पे किले पे है? किले पे है, यहाँ पे कोई नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? राम मेहर। कहाँ से हो? ये यहाँ से जी। पास में ही है घर? हाँ, पास में। ठीक है, यहाँ इस झील के रास्ते, सॉरी ये तालाब के रास्ते से कब से आ जा रहे हो? मैं तो काफी समय से आ रहे हो। अच्छा, तो ये तालाब का अब हाल क्या है? पहले कैसा था, अब कैसा है? अब तो कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, बीच में तो बहुत ज्यादा खराब था। बीच में ज्यादा खराब था? हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि 2 करोड़ रुपए लगे हैं, वाकई 2 करोड़ रुपए का विकास हुआ है क्या यहाँ पे? लग रहा है क्या आपने ये बताओ? लग रहा है यहाँ कहीं पे 2 करोड़ रुपए लगा रखे है यहाँ पे? आपको नहीं लगता? तो मेरे को नहीं लगे। क्या लगता है कितने पैसे लगे होंगे? कुछ लगे होंगे कुछ, ये तो 5-10 लाख रुपए? 5-10 लाख तो नहीं जी, कुछ तो ज्यादा ही लगे होंगे। 30 के लगा लो, यानी कि 30 के लगा ले हाथ मार के तो भी 2 करोड़ तो नहीं लगे, 1.5 करोड़ भी खा गए लो। 1.5 करोड़ भी खा गए होंगे जरूर। ठीक है, नशेड़ियों का क्या हाल है? नशेड़ी आते हैं? नशेड़ी तो यहाँ पे शाम को लाइट तो चसती नहीं, तो यहाँ पे बैठे रहते हैं। लाइट नहीं चसती यहाँ? लाइट नहीं चसती नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तो नशेड़ी यहाँ पे आते हैं? आते हैं। और अब इसके बाद हासी शहर के जो एक नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, कांग्रेस के नेता हैं, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई उनका क्या कहना है, क्योंकि पार्षदों के परिवार से हैं, चेयरमैन के परिवार से हैं नितेश शर्मा, उनसे भी जान लेते हैं कि भाई वो इस तालाब को लेकर क्या राय रखते हैं। और इसके बाद इसी हाल पे चर्चा करने के लिए नितेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और इसके साथ साथ इनके परिवार जो है चेयरमैन भी रह चुका है, या फिर यूं कहिए कि पार्षदों को बनाने वाले ही इनका परिवार है, तो इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, ये आपके शहर का ये एमटी तालाब सुना है बड़ा महंगा है, लेकिन दिखने में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए कि ये तो सबको जग जाहिर है कि एमटी तालाब की जो स्थिति है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत इस पे लगाई गई है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये एमटी तालाब 2 करोड़ रुपए लगाने से पहले ज़्यादा अच्छा था इसकी हालत। ये श्री सुभाष गोयल जी जो मंत्री थे चौटाला सरकार में, उनके टाइम ये बना था और बहुत अच्छा और भव्य पार्क बना था। ठीक है, और आज स्थिति ये है कि आप ये देखिए, यहाँ सुअर घूम रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ये झाड़ पचोड़ आपको सारे दिख ही रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आपने देखा होगा वो सारी दीवारें टेढ़ी है बिल्कुल, सारी दीवारें गिरने को हो रखी है ऑलमोस्ट। मतलब कि मरम्मत के नाम पे 2 करोड़ रुपए, काम तो यहाँ हुआ ही नहीं, मरम्मत भी नहीं हुई, लेकिन बिल बनाने के लिए फित्ते मार दिए गए, एस्टिमेट बना दिए गए, बिल बना दिए गए, एमई में चढ़ा दिए गए, उनका भुगतान कर दिया गया। मतलब ये जो फ्रॉड, मैं एमटी तालाब का जो फ्रॉड मानूंगा, शायद ये हरियाणा में मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड होगा बिल्कुल, नगर परिषद के मामले में ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, जहाँ पे शायद रंग और टाइल लगाने के नाम पे 2 करोड़ से ज्यादा। मैं कहता हूँ आप ये देखो कि रंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि सारा टेराकोटा किया गया है,
टेराकोटा हम रंग के मामले में बात करेंगे तो सबसे सस्ता पेंट होता है, ठीक है, टेराकोटा मारा गया है और टेराकोटा की हालत भी आप देख सकते हो कि 2 महीने भी नहीं हुए, बिल्कुल टेराकोटा की टूट गया। जी 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 उसके हाँ, इसमें अगर कुछ हुआ है तो टेराकोटा और साइड में ये घटिया क्वालिटी की जो टाइल्स होती हैं जी, वो टाइल्स लगाई गई हैं, ठीक है, जो अभी से मतलब पढ़नी क्या शुरू हो गई है, गिर गई है बिल्कुल। और आप कमाल की बात तो अंकिता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, नगर परिषद प्रधान श्रीमती निर्मला सैनी जी जो भाजपा से संबंध रखती हैं और विधायक जो हैं वो भी भाजपा से संबंध रखते हैं विनोद भ्याना जी, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होने के बाद शहर के ये हालात हैं। शहर के आप किसी भी सिरे पे चले जाइए, किसी भी हिस्से में चले जाइए, और अब नगर परिषद के जो चुनाव आएंगे तो कहेंगे कि भाजपा का चेयरमैन बनाओ। अरे भैया 2 साल का आपको टाइम दे दिया, 2 साल के टाइम में भाजपा का विधायक, भाजपा का चेयरमैन और आप जीरो रहे, तो किस अधिकार से आप आगामी नगर परिषद चुनाव के अंदर भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे? मैं कहता हूँ लोगों को, मतलब जब ये आए वोट मांगने के लिए, पहली बात तो इनकी हिम्मत ही नहीं बन पड़ेगी, और आए तो इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने 2 साल का समय था भ्याना साहब, 2 साल का समय था, चेयरमैन आपका था भाजपा का और आप फ्री हैंड थे, शहर के अंदर आपने क्या करके दिखाया? बिल्कुल कुछ करके दिखाया, 0/0। मैं विपक्ष का होने के नाते ये नहीं कह रहा हूँ कि विनोद भ्याना जीरो है, शहर कह रहा है कि विनोद भ्याना जीरो है, 2 साल के अंदर विनोद भ्याना 0-0-0। और आपको कमाल की बात बताता हूँ कि आप जैसे पत्रकार जब विनोद भ्याना जी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि शहर के अंदर वो समस्या है, तो उनका एक ही जवाब होता है, अरे मेरे संज्ञान में ही नहीं था, आप संज्ञान में अब लेके आए हो। भ्याना साहब मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि शहर त्राईमाम त्राईमाम कर रहा है, आप शहर की किसी सड़क से गुजर के दिखा दीजिए। और जो ये परेड, मैं कम एक बात और कहता हूँ अंकिता जी, जिक्र आप कर रहे हैं तो बीच में एक बार आपको टोकूंगी, सड़कों का जिक्र कर रहे हैं, भ्याना साहब के घर के बिल्कुल नजदीक से एक सड़क जाती है, सीसी की सड़क है और एक ही साल में टूट गई। अंकिता जी विश्वकर्मा चौक से लेकर आप राइट में चले जाइए, आप लेफ्ट में चले जाइए, आप सीधे चले जाइए, आप पीछे आ जाइए, मैं कहता हूँ कहीं से भी आज चार कुतुब गेट पे चले जाइए, शहर में कोई सिरा, अतर सिंह जी सैनी है पूर्व मंत्री गुसाई गेट पे, आप उनके घर के आगे देख लीजिए, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ से कोई आदमी गुजर के दिखा दे। और अब एक और मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि नगर परिषद के चुनाव 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में जब भी सरकार कराएगी, प्रशासक महोदय हैं, उपमंडल अधिकारी नागरिक हांसी हैं, SDM साहब सरकार के ही हैं और भाजपा के विधायक हैं, मैं कहता हूँ 2 महीने 3 महीने के अंदर भी भ्याना साहब हांसी की शक्ल सुधार के दिखा दें, फ्री हैंड है, चेयरमैन था जब भी फ्री हैंड थे, आज SDM साहब है जब भी भ्याना साहब का फ्री हैंड है, किसी के बीच में कोई हस्तक्षेप तो है ही नहीं, स्थिति सुधार के दिखा दें। अरे जब आप ये बताइए, जब विधायकों के ही परिवारजन, विधायकों के ही आदमी नगर परिषद में सफाई के ठेके, पार्कों के ठेके लेने लग जाएंगे तो शहर में खाक सफाई होगी। ये जो तालाब है इसका ठेका किसके पास था? नहीं, इसके ठेके के बारे में मेरे को फर्म के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो भी है निर्मला सैनी नगर परिषद की चेयरमैन थी और विनोद भ्याना विधायक है, दायित्व बनता है उनका, जवाबदेही उनकी है, अगर अधिकारी सही कर रहे हैं अधिकारी गलत कर रहे हैं, फिर जवाबदेही विधायक की, जवाबदेही नगर परिषद चेयरमैन की, अधिकारियों कर्मचारियों पर यह बात टाली नहीं जा सकती है। और अगर विधायक की और नगर परिषद चेयरमैन का कोई दायित्व ही नहीं बनता तो फिर जनता वोट क्यों दे, विधायक क्यों बनाए, नगर परिषद के चेयरमैन क्यों बनाए जाए? सही बात है। चलिए मुद्दों को और कहीं नहीं घुमाते हैं, वो भी इंटरव्यू के आपका एक स्पेशल करेंगे, लेकिन आज इस तालाब की परिस्थिति को लेकर के आपसे बातचीत करने के लिए आई थी। अब क्या लग रहा है, ये तालाब अभी हाल ही में 2 करोड़ इस पर लग चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी से इसके नाम का टेंडर पास होगा भी, बच पाएगा क्या, आपको उम्मीद है क्या इसके बचने की? इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसके बचने की एक ही उम्मीद है, कोई अच्छा आदमी अगर आगामी चुनाव में नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी संभालता है, जनता किसी अच्छे आदमी को नगर परिषद चुनाव में विजयी बनाकर चेयरमैन बनाती है, तो ही उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। ना तो भाजपा की सरकार से हमें कोई उम्मीद है, ना विधायक विनोद भ्याना से हमें कोई उम्मीद है। उम्मीद तो जब करेंगे कि जब, अगर आप देख रहे हो कि भाई 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा लगा दिए गए, और शहर की हर सामाजिक संस्था, शहर का हर आदमी, ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि छुपा हुआ है, आप हिसार से हांसी में आ गए, हांसी के पत्रकारों ने भी उठाया है, आपको भी पता लगा होगा भाई शहर में इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, जब आप आए हो तो आप ये मानिए, माननीय विधायक महोदय के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हो। तो भाई ये थे एमटी तालाब के हाल, जो साफ साफ बताते हैं कि यहाँ सरकार के पैसे से मरम्मत नहीं हुई, बल्कि मरम्मत के नाम पर लोगों के जेब में पैसा हुआ है, शायद ठेकेदार के या उन सरकारी अधिकारियों के जिन्होंने 2 करोड़ के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, नाम 2 करोड़ का है मगर खर्च 10 लाख का भी नहीं लगा है, और ये बात पूरे शहर की जुबान पर है।
खैर ये अपडेट यहीं तक, आगे भी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी ब्रेक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।